ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार की बात है कि एक परिवार में एक पिता और उसके एक बेटा होते हैं और अपने पिता हमेशा अपने नन्हे से बच्चे को रोज दिन चोरी करने के लिए ले जाया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह अपने बेटे के साथ वह वापस चोरी करके आ रहा था, तब रास्ते में उसने अपने बेटा से कहा कि बेटा, आप जानते हो कि वह जो घर देख रहे हो जहां पर एक छोटा सा दिया जल रहा है, जो छोटा सा प्रकाश आ रहा है, उस घर हमने एक दिन गया था और सब कुछ लूट के वहां से चोरी करके हम वापस आए थे। और इसी प्रकार वे बातें करते हुए वह अपने घर की ओर आ रहे थे। तो उसका बेटा ने यह सवाल उसके मन में पैदा होने लगा कि हमारे पिता कहते हैं कि हमने उस घर से सब कुछ चोरी करके हम लूट के ले लाए, लेकिन अभी भी उस घर में वह दिया जल रहा है, उसके घर में वह प्रकाश है, और हम सब कुछ लूट के लाते हुए भी हमारे घर में एक छोटा सा दिया तक नहीं जलता है। और यह शब्द उसके पिता को बहुत ही बुरी तरह अंदर उनके दिल में लगा कि हमारे घर में इतने होने के बावजूद शायद सच में हमारे घर में, हमारे दिल में वह दिया नहीं जल रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में भी हम यही सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में एक ज्योति के समान आए। वे हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे समाज में वह ज्योति जलाने के लिए कहते हैं। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस बहुत ही सुंदर शब्द हमारे लिए देते हैं, कहते हैं कि हम सभी लोग एक दिए के समान है। वी आर द सन्स ऑफ द लाइट। हम सभी ज्योति के संतान हैं, ना कि अंधकार की। जब हम ज्योति के संतान हैं, तो हमें ज्योति की तरह जलते रहना है और अच्छा कार्य करना है। और जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, वे हमेशा बुराई के राह पर चलते हैं। और भी वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर एक चोर की तरह आएगा, हम नहीं जानते कि कब वह आएगा, इसलिए हमें वह समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं एक बार बहुत सारे लोग हल्ला कर चुके थे कि 2000 वर्ष पूरा होगा और हमारा संसार खत्म हो जाएगा, और लोगों ने खाते पीते हुए अपना मौज मस्ती उड़ाते हुए कि अब तो हम मर ही जाएंगे, इसलिए हम सब कुछ उड़ा दे। और वे लोग यह भूल गए कि परमेश्वर वह इस प्रकार समय निर्धारित करके नहीं, लेकिन वह कभी भी आ सकता है। इसलिए हम हमेशा तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। वही परमेश्वर का वचन कहता है, ये नहीं कि हम कहे कि 2030 में हमारा संसार अंत हो जाएगा, इसलिए हम 30 तक ही अपना कार्य करें और फिर बाद में हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या तो हम खा पी के हम मौज मस्ती करें, वैसा नहीं। लेकिन कभी भी आज या कल हम सभी लोग वहाँ उनके पास बुला लिए जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा तत्पर रहना है, जागते रहना है। और आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि परमेश्वर को पता था कि वह किस कार्य के लिए बुलाए गए थे। हमने कल ही की सुसमाचार में सुना था कि परमेश्वर जब उनके हाथों में वह ऐसाया का बुक दिया गया था, तब उसने खोल के पढ़ा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर छाई रखती है और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि हम दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं, हम मुक्ति का संदेश सुनाएं, और जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, हम उन्हें ज्योति दें। और उसी चीज को आज जब वह लोगों के सामने अपना सुसमाचार सुना रहे थे, तो उसमें से एक शैतान उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप हमारे बीच में क्यों आए हैं, आप कौन हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप हमें परेशान करने आए हैं। वे समझ गए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मुझे लगता है कि जो विश्वासी लोग हैं, उनसे ज्यादा, विश्वासियों से ज्यादा जो विश्वास नहीं करते हैं, उनमें ज्यादा विश्वास दिखती है। आप जानते हैं जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उसे पता नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति जिस पर शैतान सवार था, वह कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं।
इसी प्रकार यदि हम आज देखें हमारे समाज में, तो जो लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं उनके विरुद्ध कई सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, ये लोग शक्तिशाली हैं, इसलिए वे हमें हराना चाहते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को, हम परमेश्वर के वचन को अनुभव नहीं कर पाते होंगे, उनके शक्ति को हम जान नहीं पाते होंगे, लेकिन हमारे जो विरुद्ध काम कर रहा है उसे पता है कि ये लोग मसीह के अनुयायी हैं, उनके पास वह शक्ति है। इसलिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को तोड़ने के लिए वे ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब वे भूत और कई सारे अदर दूसरे देवताओं की सेवा करते हैं, जिससे हमारे शक्ति, हमारी प्रार्थनाएं में बाधा पड़े। इसका मतलब यही है कि वे लोग हमसे भी ज़्यादा, उनको विश्वास है कि ये लोग उस भगवान से प्रार्थना करेंगे और वे हमें तोड़ देंगे, इसलिए वे यह नहीं चाहते कि हम शैतान के चंगल में पड़ सके। यही चीज़ है, आइए हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह शक्ति दे जिसे हम आपको पहचान सके और हम आपके सही रास्ते पर चल सके, वह दिया सबके दिल में, समाज में हम ला सके। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें।